साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। यहाँ आदिवासी इलाकों में जो भी अपने भाई लोग बहन लोग बसते हैं, उनमें अपना हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो और सही रास्ते पे चले। एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म की रक्षा, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार। हमारा बस एक ही है, अपने धर्म में अडिग रहो, संगठित रहो, सुरक्षित रहो। भारतीय संस्कृति को कैसे बचाएं और भारत की युवा पीढ़ी को कैसे सुदृढ़ बनाएं और भारत को कैसे विश्वगुरु बनाएं, यही उद्देश्य है। इन आदिवासी इलाकों में घूम रहे हैं। बापू ने जो कार्य किया है वो पिछली कोई सदी में नहीं हुआ है, धर्मांतरण के विरोध, और आने वाली कोई सदी में नहीं होगा। बापू जी ने वो कार्य करके दिखाया है। वो पिछले 11 वर्षों से जेल में है, कारागार में बंद है, लेकिन उन्होंने जो ट्रेनिंग दी है, उन्होंने जो शिक्षा दी अपने शिष्यों को, अपने साधकों को, कि मानवता की रक्षा तभी होगी जब सनातन धर्म की रक्षा होगी। धर्मांतरण किया जा रहा है, उन धर्मांतरण को रोकने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। और केवल डांग जिले में नहीं, पूरे देश में यह अभियान चल रहा है। उद्देश्य हमारा तो यही है कि अपना सनातन हिंदू संस्कृति है, तो यहाँ आदिवासी इलाकों में जो भी अपने भाई लोग बहन लोग बसते हैं, उनमें अपना हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो और सही रास्ते पे चले। यहाँ पर मातृ पितृ पूजन का आयोजन हुआ, जो बापूजी ने आज से करीब 16-17 साल पहले इसका आह्वान किया कि जो अपने बच्चे लोग हैं अपने माता पिता का पूजन करेंगे तो हिंदू संस्कृति में बहुत अच्छा रहेगा। और जो अलग अलग अपने तरीके से जो घूमते फिरते हैं और जो 14 फरवरी को दुनिया के देशों में कई जगह वैलेंटाइन डे का आयोजन करते हैं, तो बापूजी ने बोला कि वे जो वैलेंटाइन डे का आयोजन करते हैं, उजवनी करते हैं, तो वही बच्चे अपने माता पिता का पूजन करें तो अपनी संस्कृति उजागर होगी और सनातन संस्कृति आगे बढ़ेगी। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से आज डांग जिला जो है गुजरात प्रांत का, वहाँ पर सुबीर तालुका का एक कड़माड़ गांव है, यहाँ पर आज भंडारा हुआ है। तकरीबन 2000 लोगों का भोजन और भजन का कार्यक्रम था। बच्चों के संस्कार सिंचन हेतु यहाँ पर मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद सत साहित्य का वितरण हुआ है, बच्चों में स्टेशनरी आदि का वितरण हुआ है, बड़े लोगों में साड़ी पैंट शर्ट और सभी बच्चों के लिए कपड़ों का भी वितरण यहाँ पर हुआ है। देख रहे हैं तीन चर्च और ये कार्यक्रम जो हो रहा है एकदम सामने ही चर्च है, मतलब आपके बिल्कुल पीछे ही बड़ा चर्च है। एक सर्वे के अनुसार भारत के 99% चर्च जो है जो आदिवासी विस्तार में बने उसी की बात हो रही है, वो अनलीगल है। यहाँ पर भी जो है वो 110% अनलीगल ही है, लेकिन आप पीछे देखेंगे परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के पावन प्रेरणा से सूरत की बिल्लिया समिति आज भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण कर रही है। आपने भी यहाँ समझाया लोगों को गुजराती भाषा में, क्या समझाया मतलब लोगों को? बस हमें तो एक ही सीख है कि भाई अपने धर्म में
अड़िग रहो। जो भी लोग बाहर के लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपको भ्रमित कर रहे हैं, उनकी मंशा जो भी है, पूरे फिर से अंग्रेज नए स्वरूप में यहाँ पर आए हैं, उनकी मंशा एक ही, इस देश को फिर से गुलाम बनाने। और शुरुआत यहाँ पर से जो मेरे भोले भाले आदिवासी भाई हो उनकी उन्हीं से शुरुआत करनी है लोगों की। हमारा बस एक ही है, अपने धर्म में अड़िग रहो, संगठित रहो, सुरक्षित रहो। पिछले 50 सालों से एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म की रक्षा, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार। और भारत में जो पिछले 1000 वर्षों से आक्रमण हो रहा है विधर्मियों के द्वारा, 750 वर्षों तक मुगलों ने आक्रमण किया और भारत को कब्जा बना कर उनको अपना भारत का शोषण किया, 250 वर्षों तक अंग्रेजों ने शोषण किया, और इसको कैसे बचाएं, भारतीय संस्कृति को कैसे बचाएं और भारत की युवा पीढ़ी को कैसे सुदृढ़ बनाएं और भारत को कैसे विश्वगुरु बनाएं, यही उद्देश्य है। इन आदिवासी इलाकों में घूम रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं है दूसरा, कोई स्वार्थ नहीं है। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू पिछले 11 वर्षों से जेल में हैं, कारागार में बंद हैं, लेकिन उन्होंने जो ट्रेनिंग दी है, उन्होंने जो शिक्षा दी अपने शिष्यों को, अपने साधकों को, कि मानवता की रक्षा तभी होगी जब सनातन धर्म की रक्षा होगी, और सनातन धर्म की रक्षा तभी होगी जब आदिवासी सुरक्षित रहेंगे, आदिवासी संस्कृति सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि पिछले 1000 वर्षों से इतने सारे आक्रमणों के बाद भी आदिवासी सुरक्षित थे, लेकिन पिछले 70-75 वर्षों से सरकारों के द्वारा इरादा पूर्वक इनका धर्मांतरण किया जा रहा है। हम पूरे दावे के साथ कहते हैं गुजरात में धर्मांतरण के खिलाफ में कानून बना हुआ है, फिर भी यहाँ पर इतने तेजी से धर्मांतरण होता है। ये डांग जिले का कड़माल गांव है, आज 21 मई है 2023 तारीख के साथ आपको कह रहे हैं। आपने देखा इतना बड़ा कार्यक्रम बापूजी के भक्तों के द्वारा किया जा रहा है, ये कोई चुटनी का माहौल नहीं है। हमें कोई वोट नहीं चाहिए, बापूजी के द्वारा, बापूजी के साधकों के द्वारा किसी प्रकार का कोई स्वार्थ का समझौता नहीं किया गया है। एक ही उद्देश्य है, आदिवासी अगर सुरक्षित हैं तो हमारी संस्कृति सुरक्षित है, अगर आदिवासी सुरक्षित है तो हमारी सभ्यता सुरक्षित है। जिन आदिवासियों का धर्मांतरण 1000 वर्षों में नहीं हुआ था, वो तथाकथित आज़ादी के बाद भी धर्मांतरण हो रहा है, ये बड़े दुख की बात है। और इसलिए इस धर्मांतरण को रोकने के लिए आदिवासी समाज में उनके संस्कारों को जगाने के लिए, क्योंकि वो डूंगर की, पत्थरों की पूजा करते हैं, वो आकाश की पूजा करते हैं, वो नाग की पूजा करते हैं, आप देखेंगे वो जिन जिन वस्तुओं की पूजा करते हैं वो सभी वस्तुएँ हमारे भगवान शिव जी से कोई उनके साथ जुड़ा हुआ है। वो वाघ की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा के साथ वाघ का संबंध है, शेर का संबंध है, सांप का पूजा करते हैं वो शिवजी के साथ संबंध है। ऐसे आदिवासी जो मूल रूप से सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, उन्हें विकृत करके, उन्हें हम वो आदिवासी नहीं हैं ऐसा कुप्रचार करके उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। उन धर्मांतरण को रोकने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, और केवल डांग जिले में नहीं पूरे देश में ये अभियान चल रहा है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।